नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की फटाफट खबरों के साथ। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुफ्त की रेवड़ी बांटने जैसी घोषणाओं और योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस DVI चंद्रचूड़ की अदालत ने इनसे 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। प्रियंका गांधी ने चरखा चलाकर सूत काता। कांकेर में माटी कला के स्टॉल में रंगाई की गर्ल्स हॉस्टल की छात्राओं के साथ सेल्फी। राजस्थान में महिलाओं के लिए खुलेंगे रोजगार कार्यालय। इजराइल मॉडल अपनाएगी सरकार। युवाओं का स्टाइपेंड बढ़ेगा, बिजली नहीं कटेगी। चंडीगढ़ में सिर्फ 2 घंटे ही चला सकेंगे पटाखे। रात 8 से 10 बजे तक परमिशन। साइलेंट जोन से 100 मीटर दूर चला सकते हैं पटाखे। हरिद्वार पुलिस ने मां की गलती सुधारी, दिया दोबारा मौका। ऑपरेशन स्माइल के तहत गंगा घाट पर भटक रहे मासूम भाई बहन को मां से मिलाया। इस हफ्ते उत्तराखंड में रहेगा VVIP मूवमेंट। PM मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ आएंगे उत्तराखंड, तैयारी में जुटी सरकार। चार धाम यात्रा में टूटा रिकॉर्ड। चारों धामों में अब तक 44,79,525 श्रद्धालुओं ने किया दर्शन, टूटे पिछले सारे रिकॉर्ड। महाराष्ट्र में 4 दिन में 51 मरीजों की मौत। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूछा, मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर की 97 पोस्ट लेकिन भर्तियां सिर्फ 49 क्यों। देहरादून में हाल ही में बेस्ट ओरियना के नाम से मालसी में फ्लैट बनाए गए हैं, जहां पर वन विभाग और नगर निगम की भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है, जिसका खसरा नंबर 74152 मालसी बताया जाता है। और बताया जा रहा है कि ये कब्जा भूमाफिया शारिक खान द्वारा किया गया है, लेकिन वन विभाग और सरकारी अधिकारी आंख मूंदे बैठे हैं। देहरादून के डालनवाला में बेस्ट एवेन्यू लग्जरी रेजिडेंसी, जो भाजपा प्रदेश कार्यालय के सामने स्थित है, लगभग 50 करोड़ की संपत्ति है, जिसे शारिक खान द्वारा बनवाया गया है। लेकिन आपको जानकारी होगी ये सोचकर कि बिल्डिंग शारिक खान द्वारा बनाई गई है, जो कि बहुत बड़ा माफिया है, जिसका काम ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलना है। अगर इसकी गंभीरता से जांच की जाए तो पता चल जाएगा कि किन-किन माफियाओं का काला धन इसमें लगा है। एक और जहां उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी अवैध कब्जों पर सख्त दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं होटल कारोबार को बढ़ाने के लिए भूमाफिया शारिक खान ने एक और नए होटल को बनाकर खड़ा कर दिया है, द RN स्कूल के बगल में मसूरी रोड में स्थित। आचार संहिता के पहले 14,000 लोकार्पण भूमि पूजन का मेगा इवेंट। CM ने कहा, महाकाल की तरह भोपाल में बनेगा गुफा मंदिर। लोग पूछे, तुम्हारा सगा भाई लगता हूं कि नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की ऐसी भक्ति की बन जाता है हनुमान। 800 किलोमीटर दूर से नरेंद्र मोदी को देखने आया श्रवण, 20 राज्यों में जाकर 120 सभा में हो चुका है शामिल। जातीय गणना के डेटा पर रोक से SC का इनकार, याचिका पर बिहार सरकार को नोटिस। कोर्ट ने जनवरी 2024 तक मांगा जवाब। ED ने संजय सिंह के 3 करीबियों को समन भेजा, आरोप, एक ने संजय के बदले पैसा लिया, एक को प्रॉफिट में हिस्सा ऑफर हुआ। आज की फटाफट खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए नव भारत टुडे। नमस्कार।